हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने थर्ड एप्लीकेशन लेके और बॉसेस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने पिछली एप्लीकेशन के बारे में जाना जो क्या था। जिसने अपनी पिछली एप्लीकेशन वाली क्लास मिस कर दी हो तो सबसे पहले पिछली एप्लीकेशन वाली क्लास पर जाए जिसमें हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बारे में बात की थी। ओके, इस बार है आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आप चार्ज शीट है, आप जरा समझिए। इस बार कोई जैसे शीट होती है, जैसे कोई एक शीट होती है बेटा, चादर होती है जिसको कहते हैं, जैसे शीट ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दें जिसके आपको कॉर्नर्स ना दिखाई दे, ठीक है, और उसके ऊपर चार्जेस हों, तो वो उसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें तो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो हमने भैया एक डायग्राम बना दिया इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की। गॉसस थ्योरम आपको पता ही है, ये होती है ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिन बच्चों को ये पता नहीं हो समझ लीजिए ये गोला क्या बना है। दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, किसी ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा पहला स्टेप सेम रहने वाला है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, इंक्लूड गिविंग पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, ऑल्सो ड्रॉ द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ध्यान रखिए इसके लिए गॉसियन सरफेस कौन सी बनाए। हमने क्या बोला था बेटा आपको कि जिस तरह की, जिस शेप एंड साइज की हो उसी के ऊपर उस तरह की इमेजिन कर लो। बट यहां पर दिक्कत क्या है बेटा, तो दिक्कत क्या है, हमने देखा कि भैया वो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, उसके ऊपर तो कोई एक गॉसियन सरफेस हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ट्रायल एंड एरर से हमने करके देखा तो एक सरफेस हमारी समझ में आई अगेन, जो कि थी एक सिलिंड्रिकल सरफेस। उसको जरा करके देखते हैं कि किस तरह की सिमेट्री बन रही है यहां पर। तो हमने एक सिलेंडर ऐसा लिया जो थोड़ा इस साइड निकला हुआ है और थोड़ा उसके पीछे निकला हुआ है। मतलब अगर ये शीट है, इफ दिस इज अ शीट, तो इसके आर पार निकला हुआ है सिलेंडर, आधा इस साइड और आधा पीछे की साइड, ठीक। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि इन सरफेसेस पर, अगेन दो सरफेसेस हैं यहां पर, कर्व्ड सरफेस है, पहले टॉप और बॉटम थी, इस बार राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेसेस है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैरेलल बनेगी, आप ये आप सबको बताया भैया, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेनर शीट है और हम पहले बात कर चुके हैं कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। चलिए यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। तो जरा हम तीनों सरफेसेस पर सिमेट्री की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कीजिए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो भैया इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। राइट हैंड साइड की बात कर ले तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ये है आपका ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। तो भैया सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, गॉसियन थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड। तो भैया सॉल्विंग क्लोज्ड सरफेस जो थी हमारी उसकी ई डॉट डी एस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्लोज्ड सरफेस को हम तीन सरफेस में बांट रहे हैं, कौन सी, एक कर्व्ड सरफेस, क्लोज सरफेस हटा दो आप, क्लोज नहीं रह गई, अब कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस ये क्या हो जाएगा, ई डी ए, कर्व सरफेस पर एंगल कितना था, 90 डिग्री, दैट विल बी कॉस 90 डिग्री, प्लस आपका आता है फिर राइट हैंड सरफेस, फिर लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली सरफेस, तो आपकी ये आ गई आर एच एस, राइट हैंड साइड वाली सरफेस। तो ई डी ए इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, राइट हैंड साइड वाली में 0, तो इट विल बी कॉस 0। अच्छा जी इस तरफ में देख लो तो यहां पर भी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो भैया ये कितना हो गया आर एच एस एल एच एस के लिए, तो ई डी ए कॉस 0, कॉस 90 हो जाएगा 0, ये 1 होता है कॉस 0, ये कॉस 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया ई डी ए का पूरा एरिया, एरिया ए, कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, बट यहां पर
यहां पर ये देखिए कॉस 90 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा ई डी ए का हो जाएगा पूरा एरिया ए और कॉस वन इसका वन हो जाएगा तो यहां से भी क्या आ जाएगा ई ए। चलिए भाई ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका टू ई ए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, टू ई ए आ गया आपका एल एच एस सॉल्व होके। अब स्टेप थ्री में हम क्या करने वाले हैं, आर एच एस सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज कितना हुआ भैया हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर एक बात बताइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस बार एरिया की बात कर रहे हैं यहां पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता था, क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका सिग्मा इंटू एरिया। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू आ गई तो आपका आर एच एस भी सॉल्व हो गया। तो भैया स्टेप फोर पर चले गए हम, स्टेप फोर अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम एंड पुटिंग वैल्यूज। तो भैया गॉस थ्योरम हमारी क्या थी, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए डी एस लिख लो ए लिख लो एक ही बात है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल एच एस को सॉल्व किया तो क्या आया था टू ई ए, इट इज टू ई ए। और ये क्या आ गया था आपका सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया तो ई क्या हो गया आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर आर आएगा, आर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ आर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर इन दिस पर्टिकुलर केस, जो हम आपको पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आर, तो भैया इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ई एंड आर इसका ग्राफ कैसा बनेगा भैया, इफ दिस इज ई दिस इज आर, तो ई इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आर, कितनी भी वैल्यू हो जाए ई कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके चलिए सीधी लाइन होगी बेटा, इसके पैरेलल होगी ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आपने यहां पर पढ़ी आपकी थर्ड एप्लीकेशन, दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेनरशीप। ओके बेटा अब अगली हमारी एप्लीकेशन को हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे, एंड तब तक के लिए जुड़े रहिए, कोई वीडियो मिस ना करने पाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।